जैसे ही उसने उसको मारा तो एक अपराधी खड़ा हुआ है ना भाई, एक अपराधी खत्म हो रहा है तो एक अपराधी खड़ा हो रहा है ना। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही अपराध को बढ़ावा देता हो, अपराध की पता लगने के बावजूद भी अपराधी सामने है फिर भी कुछ नहीं करता हो, चुप लगाए बैठा हो। सबसे ज्यादा एमपी अपराधी किसमें है? बीजेपी में। सबसे ज्यादा एमएलए अपराधी किसमें? बीजेपी में। राजनीति में जितने अपराधी हैं सबसे ज्यादा अपराधी इसमें है। और जितने भी अपराधी हैं जो राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, अगर बीजेपी से बाहर है और बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे अपराधी पवित्र हो जाते हैं। 20 पुलिस वाले हैं AK-47 लेके, मार दिया जाता, तीन लोग आते हैं धड़ाधड़ मार देते हैं। कोर्ट रूम में ऐसा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस समय हुकूमत बदलेगी, जिस समय निजाम बदलेगा, सत्ता जिस समय बदलेगी और यही परिपाटी अगर आगे चली तो क्या होगा? कानून को पैरों के तले रौंद के उसे अपनी लौंडी बना के जो है लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम इस तरह से अपराध करते हैं, सरकार इस तरह से अपराध करते हैं, बावजूद भी प्रधानमंत्री चुप है तो अपराधी कौन है? कोई भूल गया उस बात को क्या? किस तरह से बजरंग दल के लोग स्मैक वगैरह में, गांजा वगैरह की उसमें जो पकड़े जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण आपने देखा, पूरी तरह सुरक्षित है, इन्हें मालूम है कि हम कुछ भी कर लें हमारा कुछ होगा ही नहीं, और वाकई में हो ही ऐसा रहा कि वो कुछ भी कर लें। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। देश के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिन पर या तो ये कहें हिंदूवादी संगठन या बीजेपी के नेता सब के सब खामोश हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। यही एक घटना है मुंबई में, मीरपुर रोड पर एक लड़की की गला काट के इसकी पूरी बॉडी काट दी और उसको प्रेशर कुकर में उबालता रहा और उसे कुत्तों को खिलाया। ये एक घटना ऐसी एक नहीं है, इससे पहले बहुत घटना हुई हैं, लेकिन इसमें आरोपी हिंदू है, मनोज सहनी नाम है, लेकिन मीडिया और बीजेपी के और आईटी सेल पूरी तरह से खामोश है। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मसले पे? सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं। सर इस मसले को, इस पर पूरा हिंदू संगठन खामोश है, मीडिया भी खामोश है? नहीं, वो क्यों बोलेंगे भाई, वो तो उनके अपने लोग हैं ना जो ये सब लोग काम कर रहे हैं। आप एक इसकी बात कर रहे हैं, बॉम्बे की बात कर रहे हैं कि भाई वो क्यों, वो मनोज साहनी करके व्यक्ति है और वो हिंदू है इसलिए ये सब क्या उसमें नहीं? अभी आपने एक न्यूज नहीं देखी आपने, बुलंदशहर में जी, जो बराल के पास में मंदिर तोड़ने की, मंदिर की मूर्तियां तोड़ने की, क्षतिग्रस्त करने की जो बात की गई है, और जो उसमें तिहाड़ शिरोमणि जो है वो सुधीर चौधरी वो जो है वो जो उस पर कह रहा है कि इस पर सब लोग खामोश किए हैं और बता रहा है कि बुलंदशहर में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, क्या हैं। जब गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने जो गिरफ्तार किए हैं और एसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें चारों के चारों अपराधी वो हिंदू थे। और केवल यही नहीं, वो हरीश था उसमें, एक केशव था उसमें, ये सारे के सारे जो लोग थे चारों के चारों अपराधी हिंदू थे। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हकीकत में इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो यही बीजेपी और इनसे जुड़े हो संगठनों के लोग हैं, चाहे बजरंग दल हो चाहे कोई भी हो, यही लोग हैं और ये देश के माहौल को खराब करने के लिए कहते हैं। और इनको जब ये अपराधी होते तो बचाने की कोशिश की जाती है और सारे हिंदूवादी संगठन सबके मुंह पर ताला लग जाता है। इंसाफ के लिए जब मुस्लिम आरोपी हो तभी इनकी आवाज उठती है? निश्चित रूप से भाई, ये तो सारे के सारे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और ये तो कहीं भी किसी भी जगह हो, नहीं भी हो तो भी जबरदस्ती, जैसे मैंने अभी बुलंदशहर के मंदिर का बताया आपको कि उसमें जब तक पता नहीं थी कौन है, ये तो सुधीर चौधरी जैसे इन पूरे मीडिया ने ये कर दिया कि साहब मंदिर तोड़ दिया जैसे मुसलमानों ने तोड़ा हो, और अब वो क्या कह रहे हैं कि माफी मांगेंगे? नहीं, अब बिल्कुल चुप बैठे हैं जब पता लगे कि सारे के सारे तोड़ने वाले हिंदू है। बल्कि शर्मा था एक उसमें, हरीश शर्मा करके था। तो ये सारे के सारे लोग तो केवल और केवल राजनीति में, मतलब इनका इतना नैतिक पतन हो चुका है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखाई देता और उसके अलावा कुछ नहीं, और राजनीति के अलावा इन्हें कुछ नहीं, इन्हें इसके अलावा भी और भी कुछ नहीं दिखाई देता। कहीं भी किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट रही है, जैसे किसान आंदोलन, ये पहलवानों का आंदोलन ही था, कहां गया था बजरंग दल, कहां गया था विश्व हिंदू परिषद, कहां गए थे बीजेपी के और संगठन, कहां थे? क्योंकि वो सब सारे के सारे पार्टी के साथ में थे और वो इनके खिलाफ थे तो इसलिए नहीं बोले ना। कहीं भी कुछ भी हो जाता है कहां जाते हैं ये सारे के सारे लोग? अभी बस्ती के अंदर कल की घटना है जहां पर तीन बीजेपी के नेताओं के द्वारा लड़की का बलात्कार किया, नाबालिग लड़की का, और उसको मार के रोड के किनारे फेंक दिया, लेकिन सब खामोश है, मीडिया खामोश है? बिल्कुल खामोश रहेगा भाई। मैं तो बार बार कहता हूं बीजेपी अपराधियों का गढ़ है, और जिस देश का प्रधानमंत्री 21 महीने पहले महिला पहलवान वीरेश फोगाट ने जो बता दिया कि हमारे साथ ब्रजभूषण सरन सिंह किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस तरह से हमारा यौन शोषण कर रहा है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री चुप है तो अपराधी कौन है? और जिस देश का प्रधानमंत्री ही अपराध को बढ़ावा देता हो, अपराध की पता लगने के बावजूद भी अपराधी सामने है फिर भी कुछ नहीं करता हो, चुप लगाए बैठा हो, तो उन अपराधियों को जो बीजेपी में शामिल है सारे के सारे लोग, और वैसे भी जो रिपोर्ट आ रही है
वो सारे की सारी रिपोर्ट यही बात तो बता रही है कि सबसे ज्यादा एमपी अपराधी किसमें है, बीजेपी में। सबसे ज्यादा एमएलए अपराधी किसमें, बीजेपी में। राजनीति में जितने अपराधी हैं सबसे ज्यादा अपराधी इसमें है। और जितने भी अपराधी हैं जो राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, अगर बीजेपी से बाहर है और बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे अपराधी पवित्र हो जाते हैं। कौन, क्या कुलदीप सेंगर को कोई भूल गया होगा क्या? एक और वो इनका एक पुजारी बुजारी करके कुछ सा, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसे कोई भूल गया होगा? चिन्मयानंद। एक से एक बढ़ के अपराधी। और यही नहीं, क्या बजरंग दल के लोग जिस तरह से गाय की तस्करी वगैरह में उस समय शामिल हैं, कोई भूल गया उस बात को? क्या किस तरह से बजरंग दल के लोग स्मैक वगैरह में, गांजा वगैरह की उसमें जो उसमें पकड़े जाते हैं, अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण आपने देखा। सो ये तो सारे के सारे पक्के अपराधी हैं। और इसी धर्म की आड़ में और सरकार के सुरक्षा तंत्र के तहत ये पूरी तरह सुरक्षित ही ना मालूम है कि हम कुछ भी कर लें हमारा कुछ होगा ही नहीं। और वाकई में हो ही ऐसा रहा कि वो कुछ भी कर लें, होता नहीं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि अडानी जैसे को, जिसने 17 लाख करोड़ का घोटाला किया, इतना बड़ा घोटाला इस देश में कभी नहीं हुआ, उसके विषय में एक शब्द नहीं। महिला पहलवान जिसको कहता विनेश ये तो मेरे एक परिवार की है, उसके विषय में एक शब्द नहीं। अपराधियों को बचाने में लगे और आखिरकार अपराधियों को बचाने में सफल हो गए। तो ये तो जब प्रधानमंत्री अपराधी को बचा रहा है, बाकी की तो बात सर एक और बात सामने आ रही है जिस तरह से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा चल रहा है योगी के राज में, और धड़ल्ले से हत्याएं हो रही है। नहीं, कहां लॉ एंड ऑर्डर जो अच्छा है, किसे लॉ एंड ऑर्डर करोगे भाई? सरकार ही पूरी तरह से माफिया और क्रिमिनल बन गई है। क्या कोर्ट में घुस के जज के सामने बैठे हुए, जज बैठा डायस पे और धड़ाधड़ एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जिस व्यक्ति पे मुकदमा चल रहा है उसको गोली मार दी जाती है और एक छोटी बच्ची को भी वहां पे गोली लगी है कोर्ट में, इस तरह की स्थिति है। आप इसे कहेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही है क्या? मतलब 20 पुलिस वाले हैं AK-47 लेके और वहीं पे मार दिया जाता, 3 लोग आते हैं धड़ाधड़ मार देते हैं, कोर्ट रूम में ऐसा हो रहा है। आप तो इसे क्या कहेंगे? कानून को पैरों के तले रौंद के उसे अपनी लौंडी बना के जो है लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम इस तरह से अपराध करते हैं, सरकार इस तरह से अपराध करती है, ये क्या? और इससे ज्यादा और क्या? जी न्यूज चला रहा है कि अब तो अपराधियों को सरेआम मारा जा रहा है, इसे पहले अतीक अब ये अपराधी, तो अब मार कौन रहा है? तो अपराधी कौन बनना, जो मार रहा है कौन है? वो अपराधी नहीं है क्या? वो संत है क्या? जो मार रहा है वो संत है क्या? वो भी अपराधी है। और किसे बनाया? वो जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, शायद 20-22 साल के आसपास का ही होगा। और इससे पहले जो आतिक और उसको जो अशरफ को मारा था वो भी इतने ही लगभग उम्र के थे, 20-22 साल की उम्र के थे। तो ये कौन है? ये अपराधी नहीं है क्या? ये संत है? ये मारने वाले संत हैं क्या? और इन्होंने अपने आप ही मार दिया ऐसे ही? क्या पुलिस का सरकार का संरक्षण नहीं है? और इसको दूसरे एंगल से भी देखो तो कौन है लोग जो सत्ता में आज पार्टी बैठी यानी बीजेपी, उसके विरोधी जो राजनीतिक खेमे के लोग हैं वही तो उन्हीं को तो मारा जा रहा है, उसी खेमे से जुड़े वो जो अपराधी हैं उनको मारा जा रहा है, और वो भी सरेआम अदालतों में। सर अब मैसेज ये दिया जा रहा है कि अब चाहे अपराधी कोर्ट में हो चाहे कहीं भी हो, खुलेआम मारा जाएगा जिससे कि आगे ऐसा काम ना हो। योगी जो मुख्यमंत्री योगी का बड़ा नाम बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए ये जो कह रहे हैं ये उन मूर्ख लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं जिनको यही न्याय नजर आता है, और ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। गोदी मीडिया जो, गोदी मीडिया तो भांड है, मीडिया कहां है? वो तो दलाल है, वो तो गुलाम है, वो तो तलवे चाट है, एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाट के उनके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। जरा उन गोदी मीडिया वालों से ये पूछो कि जो परंपरा ये डाली जा रही है अपराध को, अपराधियों को इस तरह से, अपराध खत्म नहीं होता, अपराध तो जैसे ही उसने उसको मारा तो एक अपराधी खड़ा हुआ है ना भाई, एक अपराधी खत्म हो रहा है तो एक अपराधी खड़ा हो रहा है ना, तो खत्म कहां हो गया अपराधी, और अपराध कहां से खत्म हो गया? एक अपराध को आप खत्म करने की बात कर रहे हो तो एक अपराध हो भी तो गया ना, एक अपराध हो गया, एक अपराधी हो गया, और दोनों ने ये सब सारी चीज किया तो कहां खत्म हो गया? ना अपराध खत्म हुआ ना अपराधी खत्म हुआ। लेकिन जो ये परंपरा डाली जा रही है कि इस तरह से आप मारोगे, मैं फिर कह रहा हूं जिस समय हुकूमत बदलेगी, जिस समय निजाम बदलेगा, सत्ता जिस समय बदलेगी और यही परिपाटी अगर आगे चली तो क्या होगा? भाई जज साहब के सामने मारा गया, इसी पे पूछ लेना क्या जज साहब को गवाह के रूप में जो इसमें शामिल किया जाएगा, आप देख लेना, इसी में पता लग जाएगी आपको, नहीं होगा ना। तो अपराध, ना अपराध खत्म हो रहे हैं ना अपराधी खत्म हो रहे हैं, एक अपराध की नई परंपरा शुरू हो रही है। सर एक जिस तरह व्यूवर और लोग भी ऐसे, तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं कि अगर यही नीति और सरकारों ने अपनाई होती तो बहुत सारे लोग आज सत्ता में नहीं होते। निश्चित रूप से बिल्कुल सत्ता में नहीं होते, मैं आप सत्ता में बात कर रहा हूं, धरती पर नहीं होते। सीधे सीधे अगर बात कहो सत्ता में क्या, धरती पर नहीं होते।
लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं कि जो ये सब कुछ किया जा रहा है, हुकूमत बदलने के बाद अगर हुकूमत में जो दूसरे लोग आए, जब कभी भी आए, वो भी इसी नीति को अगर फॉलो करें, तब क्या होगा? क्या 24 का माहौल बनाया जा रहा है? निश्चित रूप से वो तो उसी में लगे हैं भाई, 24 का माहौल बनाने में लगे हैं, लोगों को डराने में लगे हैं, लोगों को धमकाने में लगे हैं। पूरे देश में 24 में बदलाव कैसे होगा? मैसेज क्या देंगे? देश की जनता को खड़े होके खुल के बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करनी चाहिए, और जहां भी वोट डालने से रोका जाता है लोगों को, वहां सभी वोटर्स को इकट्ठा होकर बैठ जाना चाहिए जब तक उनकी वोट नहीं डाली जाए, और बाकायदा उसका वीडियो बना के पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसको वायरल करो कि पुलिस ये गुंडागर्दी कर रही है और ये वोट डालने से हमें रोका जा रहा है, और पूरी वीडियो जब होंगे अपने आप होगा। यही तरीका, इसमें कोई शक नहीं है। नई संसद में जो कुछ किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, और राजतंत्र को ऑफिशियली स्थापित किया सेंगोल के माध्यम से, लोकतंत्र के सीने में शूल गाड़ के राजतंत्र की स्थापना की गई। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद थे, और उन्होंने अपनी बहुत ही गंभीरता से देश के सामने जो समस्याएं हैं वो बाखूबी ढंग से रखी हैं। आप इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP News के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।